नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स अपने चैनल में। आप देख रहे हैं सामने ही ये मंडी शहर है और यहां पर व्यास नदी चलती है और सामने ही भीमा काली माता का मंदिर आप देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे ज़्यादा मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पाए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप ये व्यास, हम एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, जोगिंदर नगर 57 किलोमीटर और पालमपुर 94 और पठानकोट फ्रेंड्स इसी नेशनल हाईवे 21 का पार्ट। और तो अब हम यहाँ से मंडी जो शहर है ये बाईपास है बाहर से क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। और इस समय आप नीचे देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत ये मंडी शहर लगता हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ पर कहते हैं कि गुरु नानक देव भी आए थे वहाँ पर। वैसे तो हमने बाजार से क्रॉस करना था फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पर चौक से हमें क्रॉस नहीं करने दिया बस स्टैंड के पास से, तो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। और मंडी के बारे में वैसे भी मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई है दोस्तों। इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, छोटी काशी। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों के समूह हैं और काफ़ी यहाँ पर हमारा कल्चर रिच है मंडी का और ट्रेडिशनल काफ़ी अच्छा है यहाँ की मैरिज। यहाँ से पठानकोट ये नेशनल हाईवे जो कि 207 किलोमीटर, आप देख सकते हैं सामने ये जो बाईपास है यहाँ, और सामने ही जैसे कि ITI मंडी की बिल्डिंग है और हॉस्पिटल है उस तरफ। और इस समय संध्या का समय है और आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है दोस्तों। और अभी नीचे व्यास नदी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको पता है मंडी में व्यास नदी चलती है। और जैसा कि सर्दियों के दिनों में दोस्तों यहाँ पर एक धुंध का ऐसा गुबार रहता है कि जैसे कि मानो कैलाश पर्वत लगता हो, इसीलिए यहाँ को छोटी काशी नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और मंडी जो लॉर्ड ऑफ लैंड ऑफ शिवा भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इस समय हम मंडी का बाईपास है वहाँ से उससे क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया है फ्रेंड्स ब्रिज। और देखिए फ्रेंड्स मंदिर जो देखने को मिलते हैं काफ़ी, जो पिछले साल यहाँ पर एक बाढ़ आई थी उसके कारण। तो अब हम जल्दी देख सकते हैं एक ब्रिज पे आएंगे जिसके यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से इस ब्रिज से क्रॉस करता है जो कहा जाता है विक्ट्री। ये देखिए कहा जाता है मंडी का, और ये देखिए आप। तो हमने एक्चुअली बाजार से आना था बट वहाँ से आने नहीं दिए, शायद पुलिस कोई वहाँ पर उस समय आया। और ये देखिए अब ये जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए काफ़ी ऐतिहासिक जो ब्रिज है मंडी का। और यहाँ से हम ले लेंगे यहाँ से राइट दोस्तों, ये जो है बाजार के लिए जाता है दोस्तों रास्ता। और यहाँ से हमने राइट ले लिया है, हमने पालमपुर धर्मशाला की तरफ जाना है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर जो व्यास नदी इस समय, हालांकि आजकल बारिश कम हो रही है और इसका जो नदी है इस समय अपने, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये स्तर काफ़ी नीचे है हालांकि धीमे धीमे क्योंकि। तो अब मैं आपको बस लास्ट दिखाता हूँ कि IIT मंडी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है, नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे IIT मंडी है, IIT मद्रास, IIT कानपुर, तो उस लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ से जाता है कमांड। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ है IIT मंडी प्राशर लेक वाला रास्ता है दोस्तों ये, और प्राशर लेक यहाँ से 49 किलोमीटर है। कटिंडी ये गया जो दोस्तों, ये जो गाड़ी ऊपर जा रही है बंजौरा 51 किलोमीटर, बंजौरा ऐसी जगह है फ्रेंड्स, प्राशर 48 किलोमीटर, कुल्लू 65 किलोमीटर यहाँ से। तो ये रास्ता जहाँ से ऊपर आप देख रहे हो कार जा रही है, ये हमारी जीप जा रही है फ्रेंड्स, ये जो ये IIT मंडी जाता है और प्राशर और फिर कुल्लू मिल जाता है, और कुल्लू में जो वहाँ से व्यास नदी का आपको पता ही है कि वहाँ पर व्यास कुंड में व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है, और बंजौरा नामक जगह में व्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश मंडी में एंटर करती है और संधोल नामक जगह में एग्जिट कर जाती है। तो संधोल और धर्मपुर के पास ये जो नीचे जाती है यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास
ट्रैवल करती है, और मैंने संदोल की भी बहुत सारी वीडियोस आपने चैनल पे डाली है, आप वहाँ संदोल मेरे चैनल में प्रेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। व्यास नदी का जो रहता है दूसरी सबसे लंबी नदी।